नमस्कार। हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली कंट्रोवर्सी, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो 100 साल से भी पहले हुई थी और सीधा उसकी नींव से जुड़ी हुई है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित बात करूंगा उस कंट्रोवर्सी को लेकर जो देश की पहली फिल्म को लेकर है। दादा साहिब तोरने द्वारा बनाई हुई फिल्म श्री पुंडलिक 1912 में आई थी और उसके अगले साल दादा साहिब फाल्के की श्री राजा हरीश्चंद्र। इन दोनों फिल्मों में टक्कर रही कि कौन सी देश की पहली फिल्म होगी। आज का एपिसोड इसी कंट्रोवर्सी को लेकर है। साल 1895 के बाद से ही भारत में फॉरेन मूवीज दिखाई जाने लगी थी। अमेरिकन या ब्रिटिश मूवीज अक्सर मुंबई में कुछ जगहों पर दिखाई जाती और लोग उन्हें देखकर बहुत पसंद किया करते। 1900 आते आते देश में थिएटर शुरू होने लगा था और नाटक बनाए और दिखाए जाने लगे थे। इन सब से खासकर दो लोग इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद एक फिल्म बनाने का सोचा। एक थे 40 वर्ष के दुंडीराज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के और दूसरे थे 20 वर्ष के रामचंद्र गोपाल तोरणे उर्फ दादा साहेब तोरणे। दोनों की रुचि फिल्म मेकिंग में बढ़ती जा रही थी और इसलिए उन दोनों ने विदेश से कैमरा और रील्स मंगवाई। दादा साहेब फाल्के तो खुद फरवरी 2012 को लंदन गए और वहां से कैमरा और रील्स खरीदे। उन्होंने वहां के फिल्म मेकर से भी मुलाकात करी और इस कला के बारे में और जानकारी ली। लेकिन 22 साल के रामचंद्र तोरणे ने बाजी मारी जब 18 मई 1912 को श्री पुंडलिक नाम से देश की पहली फिल्म को बना के रिलीज कर दिया। ये एक मराठी प्ले को फिल्म करके बनाई गई थी और साइलेंट मूवी थी। दादा साहेब फाल्के इस समय अपनी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। दादा साहेब फाल्के की फिल्म उसके ठीक एक साल बाद रिलीज होने वाली थी। 21 अप्रैल 1913 को राजा हरीश्चंद्र का प्रीमियर रखा गया मुंबई के ओलंपिया थिएटर में। उसके कुछ ही दिन बाद 3 मई को उस फिल्म को देश भर में रिलीज किया गया। प्रिंट्स कम थे लेकिन तब भी लोगों ने भीड़ लगा दी। वो फिल्म इतनी चली कि देश भर में और प्रिंट्स की डिमांड बढ़ने लगी। राजा हरीश्चंद्र बर्मा और इंग्लैंड तक में स्क्रीन करी गई। जहां श्री पुंडलिक करीब 2 हफ्ते तक चली थी, वहां ये फिल्म कई हफ्तों तक चली और इसने उम्मीद से ज़्यादा पैसे भी कमाए। पर यही बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि एक फिल्म 1912 में आई थी और दूसरी उसके ठीक एक साल बाद। लेकिन यहीं से एक डिबेट शुरू हो गई, एक ऐसी डिबेट जहाँ पर यह कहा जाने लगा कि राजा हरीश्चंद्र को देश की पहली फिल्म माना जाए। इस डिबेट में भारत सरकार तक को उतरना पड़ा। इसका फैसला लेना कठिन था लेकिन जब फैसला आया तो वो आया राजा हरीश्चंद्र के हक में। राजा हरीश्चंद्र को भारत की पहली फिल्म का दर्जा दिया गया और इसी तरह से दादा साहिब फाल्के बन गए फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। उस एक फैसले ने दादा साहिब तोरने को देश की मेमोरी से ही मिटा दिया। ज़रा सोचिए कि अगर ये फैसला राजा हरीश्चंद्र के हक में ना आकर श्री पुंडलिक के हक में आता तो हमारे जो फिल्म अवार्ड्स हैं वो दादा साहेब फाल्के नहीं बल्कि दादा साहेब तोरने अवार्ड्स कहे जाते और दादा साहेब तोरने का नाम देश भर में जाना जाता। पर ऐसा क्यों हुआ कि देश की दूसरी फिल्म को ही पहली फिल्म का दर्जा दिया गया? राजा हरीश्चंद्र करीब 40 मिनट लंबी फिल्म थी। उसको दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट किया और त्रियंबक बी तेलंग नाम के एक ट्रेंड कैमरामैन ने शूट किया। पर श्री पुंडलिक का केस इससे कुछ अलग था। वो केवल 22 मिनट लंबी मूवी थी और उसके कैमरामैन थे कोई मिस्टर जॉनसन जो एक अंग्रेज थे। फिल्म की प्रोसेसिंग मुंबई की जगह लंदन में करवाई गई थी पर यही उस पे एक प्रॉपर फिल्म होने पर सवाल उठने लगे। श्री पुंडलिक एक मराठी प्ले को कैमरा से शूट करके बनाई गई फिल्म थी और लंदन में प्रोसेस हुई। लेकिन कुछ लोगों ने आगे चलकर माना कि ये फिल्म जैसे भी बनी
वो एक फिल्म ही मानी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से शूट की गई है और फिर प्रोसेस। इसलिए श्री पुंडाले को सबसे पहली फिल्म माना जाए और दादा साहेब तुरणे को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाना चाहिए। बाकी सिनेमा के इतिहासकार और क्रिटिक्स को भी डाउट नहीं है कि प्रॉपर मूवी होने के कारण और पूरी तरह से इंडिया में प्रोसेसिंग होने के कारण राजा हरीश्चंद्र ही वो खिताब डिजर्व करती है। यहाँ फैसला करना इतना मुश्किल था कि भारत सरकार को इस बहस में उतरना पड़ा और उन्होंने सबकी तरफ से सुनकर ये फैसला लिया कि राजा हरिश्चंद्र को ही भारत की पहली मूवी माना जाएगा। उस एक फैसले ने दादा साहेब फाल्के को देश में हीरो बना दिया। उनके नाम पे हमारे सबसे बड़े नेशनल अवार्ड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स को भी रखा गया। उधर दूसरी तरफ दादा साहेब तोड़ने, जिनका करियर उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, उनसे बड़ा था, उनको हम सब भूल गए। दोनों ही फिल्म मेकर्स महान थे, दोनों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, लेकिन दादा साहेब तोड़ने का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा लंबा और ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उन्होंने अपने आप को बदलते दौर में ढाला और टॉकी जीरा की पहली फिल्म आला मारा में अपना योगदान तक दिया, लेकिन हम उनको बुलाते चले गए समय के साथ साथ। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आपके सामने हम लाते रहेंगे। मैं लौट कर आपके पास आता हूँ बहुत जल्द उस कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।